नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में थानों को लेकर। बिहार में मामले, जो थानों में केसों के मामले पड़े हैं, उसको जो है बिहार सरकार अब कैसे निपटाएगी, उसको लेकर बिहार सरकार ने क्या नई प्लानिंग की है, इसके बारे में हम आगे इस पूरे वीडियो में जानेंगे। बिहार के थानों में लंबित केस के निपटारे के लिए अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी यानी कि आईओ की संख्या बढ़ाने वाली है। डीजीपी एस के सिंघल ने संविदा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में इसके लिए तेजी लाने की बात कही है, ताकि पदाधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सके। उन्होंने अनुसंधान कार्यों की तकनीकी बाधाओं को दूर कर मामले का निष्पादन तेजी से कराने का निर्देश कर अफसरों को उन्होंने कहा है कि कम से कम इसमें तो कम से कम तेजी लाएं आप। पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को डीजीपी एस के सिंघल ने थानों का निरीक्षण करने वाले वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। अफसरों के कांडों के लंबित रहने के पीछे पुलिस अफसरों की कमी, प्रोन्नति में हो रही देरी और तालमेल की कमी का एक बड़ा मामला जो है निकल कर सामने आया है। थानों का निरीक्षण करने वाले वरीय पुलिस अफसरों ने बताया कि जिलों व थानों में कांडों के अनुसंधान का काम संतुलित रूप से आवंटित नहीं किया जा रहा है। पुलिस अफसरों ने कहा कि किसी पदाधिकारी के पास ज़्यादा संख्या में कांड यानी कि केस के अनुसंधान की जिम्मेवारी है, तो किसी के पास कम मामले का प्रभार है, यानी कि कम केस जो है कई पुलिस अधिकारियों के पास है। अभियोजन पदाधिकारी और अनुसंधानकर्ता के बीच केस के त्वरित निष्पादन के लिए जरूरी समन्वय का भी अभाव इस निरीक्षण के दौरान देखा गया है, जो कि अमूमन हम थानों में देखते भी हैं। समीक्षा के बैठक के दौरान पाया गया कि प्रोन्नति बाधित होने के चलते राज्य में अनुसंधान करने वाले पुलिस पदाधिकारियों की कमी है। सिपाही कोटि से प्रोन्नति के बाद भी एएसआई के पद भरे जाते हैं, इसी तरह पुलिस अवर निरीक्षक के 50% पद भी प्रोन्नति से ही भरे जाते हैं। अनुसंधान के अधिकांश मामले इन्हीं दो स्तरों पर हमें देखने को मिलते हैं, या फिर इन्हीं लोगों को करने की जिम्मेवारी दी जाती है। प्रोन्नति नहीं होने के काफ़ी पद जो है अभी भी खाली पड़े हुए हैं। दूसरे, हर महीने पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसे देखते हुए डीजीपी ने संविदा पर नियुक्ति के काम में तेजी लाने और अनुसंधान कार्य के लिए जरूरी तकनीकी दिक्कतों को दूर करने का निर्देश जो है विभाग की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के थानों में केस की संख्या बढ़ने के दो कारण सामने आ रहे हैं। एक तो शराबबंदी कानून के कारण मामलों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में जमीन से जुड़े मामलों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से भी जो है जमीन के मामले में, आपराधिक मामलों में खास करके बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे कि थानों में अपराध से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि थानों में केस की संख्या में कमी करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की बात कही गई है, साथ ही साथ शराबबंदी कानून में संशोधन भी किया गया है, जिससे कि अपराधियों के मामलों में कमी आ सके। जो थाने में केस पहुंच रहे हैं उसको जो है जितनी जल्दी हो सके हम निपटारा कर सके। बता दें कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद से शराबबंदी कानून में बदलाव की बात कही थी। ऐसे में अब देखना है कि बिहार में केस की संख्या में कितनी कमी आती है। ऐसे में अब बिहार सरकार थानों में केसों की संख्या में कमी लाने के लिए अब संविदा पर नियुक्ति करने की बात कही है। खास बात यह है कि थानों में आईओ की संख्या में बढ़ोतरी करने की बात कही गई, जिससे कि थानों में लंबित पड़े केसों की जांच तेजी से हो सके और मामले की जांच भी हो सके। वर्तमान में थानों में आईओ की संख्या कम है, जिसके कारण मामले की जांच कम हो रही है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके थानों की संख्या यानी कि थानों में आईओ की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सके, ताकि जो है केस की संख्या जो है वो कम होगी। जितनी जल्दी जितनी तेज़ी से मामलों की जांच होगी, उतने ही कम जो है थाने में केस रहेंगे, और ऐसे में जो है थानों पर ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।